खबर यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पदभार संभाल लिया है, तो बड़ी खबर, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई और जिम्मेदारी को अगले ही दिन उन्होंने स्वीकारा, अपना पदभार जो है संभाल लिया है। और ये अनुराग ठाकुर की तस्वीरें भी आ रही हैं, अनुराग ठाकुर को भी यहां पर आपको बता दें प्रमोशन की दिया गया है। पहले राज्य मंत्री थे लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी जो है अनुराग ठाकुर को ही मिली है और अनुराग ठाकुर ने भी आज पदभार जो है वो संभाल लिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक मंत्री जो है, अनुराग ठाकुर को इस बार युवा और खेल मंत्री बनाया गया है, इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्री भी उन्हें दिया गया है जिम्मेदारी। तो अनुराग ठाकुर जिनके हिस्से कई बड़ी जिम्मेदारियां सामने आई हैं, उन्होंने भी पदभार जो है वो संभाल लिया है और उनका जो ये प्रमोशन हुआ है उसके बाद आज सुबह सुबह ही अपने दफ्तर पहुंचे, वो पदभार संभाला। तस्वीरें देखिए, तो अनुराग ठाकुर मीडिया की मौजूदगी में यहां पर अपना पदभार संभालते हुए और पूर्णिमा एक बड़ा प्रमोशन कह सकते हैं अनुराग ठाकुर का, क्योंकि जिस तरह से युवा खेल मंत्रालय दिया गया, सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया, ये उन लोगों में रहे जो टॉप गेन किया है, फेवरेट कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्यों को लेकर जिस बार उन्होंने एनालिसिस किया, उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नए मंत्रालय का पदभार अनुराग ठाकुर ने संभाल लिया है और उनका रिएक्शन है मुमकिन आए पदभार संभालते हैं। दूरदर्शन हमें पकड़ना पड़ेगा। अनुराग जी, आज चार्ज ले रहे हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको भी सरकार के प्रवक्ता के रूप में रहेंगे, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी आपको? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाए और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ, वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा, जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है, इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा, उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। आगे बहुत सारे अवसर आएंगे विस्तार में बात करने के, आज आप सब शुभकामनाएं देने हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, आपको स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी दी गई है, ओलंपिक बहुत नजदीक है, आप खेलों से जुड़े रहे हैं, तो स्पोर्ट्स को लेकर क्या? जब खेल मंत्रालय का चार्ज लूंगा तब उस पर बात करेंगे। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, आपके मिनिस्ट्री और बहुत अब आप सरकार के सेंट्रल, अब आप सरकार के प्रवक्ता लोगों तक पहुंचे, कैसे प्रयास करेंगे आप? मैंने आपसे अभी भी कहा कि आगे बहुत सारे अवसर आएंगे, पार्लियामेंट का सत्र भी है और निरंतर आप सबसे मिलना भी होगा, आज आप सब शुभकामनाएं देने आए हैं, मैंने भी आपका सहयोग मांगा है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो बड़े नाम लिए गए इससे पहले जिनके पास ये मंत्रालय था उन नामों की तरह इस मंत्रालय की जो बड़ी जिम्मेदारी है उसे वो समझ रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि इन प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरे उतरे, उनको जो जिम्मेदारियां दी गई उस पर खरे उतरे। खेल को लेकर कहा कि जब वो मंत्रालय संभालूंगा उसके बाद उस बारे में बात की जाएगी, आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, कामकाज को समझने आया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।